और अब बात आपके शहर आपकी खबर की। बलिया के शहीद बिजेंद्र के पिता गमजदा हैं, दर्द भी सियासत दानों से है। अब साफ साफ बोल दिया है कि अगर सीएम योगी नहीं मिलने आए तो शहीद बेटे की तेरहवीं नहीं करेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं आते हैं तो जैसे देश के लिए अपने बेटा के शहादत को मैंने स्वीकार कर लिया हूं, सरकार के नाम पर उसका श्राद्ध क्रिया को भी मैं त्याग दूंगा। ये दर्द है शहीद बिजेंद्र सिंह के पिता का। बेटे ने देश पर जान न्यौछावर कर दी, लेकिन सियासतदानों को इससे कोई इत्तफाक नहीं। किसी की जान जाए तो जाए। भाजपा के नेता सांसद आए थे, सबसे मैं एक ही बात कहा था कि हम लोगों का हार्दिक इच्छा है कि हमारे दरवाजे पर मुख्यमंत्री जी आए जी। उस समय तो मैं इतना ही कहा था, लेकिन अब मैं ये भी निर्णय ले लिया हूँ कि अगर मुख्यमंत्री जी नहीं आते हैं तो जैसे देश के लिए अपने बेटा के शहादत को मैंने स्वीकार कर लिया हूँ, सरकार के नाम पर उसका श्राद्ध क्रिया को भी मैं त्याग दूंगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के आरसपुरा सेक्टर में पिछले शुक्रवार को पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में बीएसएफ जवान बिजेंद्र बहादुर शहीद हो गए थे। शहीद बिजेंद्र का शव गृहनगर यूपी के बलिया पहुंचा, तब भी सरकार की ओर से किसी ने शहीद के परिवार को सांत्वना तक नहीं दी। बहुत दुख है हमारे पास, तो हमारे को सहानुभूति देने के लिए आए हैं हमारे, इसका मतलब है कि हमारे उनको हमारे परिवार से कोई सहानुभूति नहीं है। बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन शहीद जवानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बलिया से संजय कुमार तिवारी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।